तुम मुझे टैलेंट दो, मैं तुम्हें मंच दूंगा। लल्लन टॉप अड्डे का मंच, मंच जिस पर खड़े होकर तुम गाना गा सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, मिमिक्री कर सकते हो, कोई मजेदार किस्सा सुना सकते हो, कविता सुना सकते हो। लल्लन टॉप अड्डा, जहां तुम पेंटिंग कर सकते हो, स्केच बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारी कलाकारी को आसमान पर पहुंचा दे। साथ में जीत सकते हो मौके पर लाखों के इनाम। तो फिर आइए लल्लन टॉप अड्डे पर, दिखाइए अपने हुनर का कमाल। लल्लन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली में। नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। अबू बकर अल बगदादी, दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी ISIS का सरगना, 26 अक्टूबर की शाम हुए एक अमेरिकी ऑपरेशन में बगदादी मारा गया। 27 अक्टूबर की सुबह उसकी मौत का ऐलान करने आए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने बताया कि उत्तर पश्चिमी सीरिया के इदलिब प्रांत में एक गांव है बारिशा, ये तुर्की की सीमा के पास पड़ता है। यहीं एक ठिकाने पर छुपा था बगदादी। अमेरिका ने यहाँ एक सीक्रेट ऑपरेशन किया। इसी मिशन के दौरान बगदादी पहले एक सुरंग में भागा। ये डेड एंड वाली सुरंग थी, मतलब आप भागकर कहीं नहीं पहुंच सकते। बगदादी के मारे जाने की बात बताते हुए ट्रंप के शब्द थे, बगदादी ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल बेहद डर में बिताए कि वो कायर की तरह मरा, वो कुत्ते की मौत मरा। उसके मरने के बाद दुनिया अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित है। जिन ट्रंप ने वो कुत्ते की मौत मरा वाली लाइन कही, उन्होंने ही बताया आगे कि बगदादी जब रोता चीखता सुरंग में घुसा, तब अमेरिकी सेना का एक डॉग स्क्वाड उसके पीछे था। सुरंग के अंदर ही बगदादी ने शरीर में बंधे बम वाले जैकेट को डेटोनेट किया और उसके चीथड़े उड़ गए। इस धमाके में उसके 3 बच्चे भी मारे गए उसके साथ। धमाके के कारण वो सुरंग भी ढह गई। आयरनी देखिए, अमेरिकी टीम का एकमात्र सदस्य जो इस मिशन में जख्मी हुआ वो एक कुत्ता है। बगदादी कुत्ते की मौत मरा कहने वाले ट्रंप ने उस कुत्ते की तस्वीर बाद में ट्वीट की, लिखा कि जाबाज कुत्ते की तस्वीर डीक्लासिफाई की गई है, यानी गोपनीय फाइल की सूची से हटाई गई है ताकि लोग उसे देख सकें, उसके बारे में जान सकें। आर्मी के कुत्ते भी आर्मी पर्सनल होते हैं, वो ऑफिसर माने जाते हैं, सहकर्मी और सहयोगी माने जाते हैं, वो भी जान दांव पर लगाकर देश की सेवा करते हैं। अच्छा हुआ कुत्तों को अंग्रेजी नहीं आती, वरना उन्होंने अगर बगदादी कुत्ते की मौत मरा वाली ट्रंप की बात सुनी होती तो उनका दिल टूट गया होता। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी इस कुत्ते पर एक ट्वीट किया है। इसमें लिखा है, हमारी K9 डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अपने सहकर्मी की बहादुरी को सलाम करती है, जो कि ISIS लीडर अबू बकर अल बगदादी पर हुए रेड के दौरान घायल हो गए थे। हमें खुशी हुई ये जानकर कि हमारा सहयोगी कुत्ता वापस ड्यूटी पर लौट आया है। ट्रंप ने बताया कि इस ब्लास्ट में बगदादी का शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया। पहचान की पुष्टि के लिए वहीं उसकी लाश की DNA जांच की गई, रिजल्ट पॉजिटिव निकला। पुष्टि हुई कि जो मरा वो बगदादी ही था, उसका कोई डुप्लीकेट या बॉडी अलाइक नहीं था। स्पेशल फोर्सेस ने 2 घंटे बिताए वहाँ। उनके हाथ कुछ बेहद संवेदनशील चीज़ें लगने की बात कही गई है। इस लोकेशन से बगदादी के कुछ आतंकी जिंदा गिरफ्तार भी किए गए हैं। कुछ बच्चे भी थे यहाँ जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। ट्रंप ने बताया कि कुछ हफ्तों से बगदादी पर नज़र थी, उसे पकड़ने के लिए 3 योजनाएं बनाई गईं, मगर वो लगातार मूवमेंट कर रहा था और इस वजह से कुछ प्लान ड्रॉप करने पड़े, फिर जाकर ये मिशन हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी विमान रूसी हवाई क्षेत्र से होकर गुजरे। US स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस की एक टीम ने बगदादी के ठिकाने पर हमला किया। टीम में कितने लोग थे ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये जानकारी जरूर दी गई है कि टीम ने कुल 8 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया। कमांडो पूरी एहतियात से लैंड हुए, उन्होंने मुख्य दरवाजे का इस्तेमाल नहीं किया प्रवेश के लिए, ये सोच कर कि वहाँ बॉम्ब लगे हो सकते हैं।
अंदर घुसने के लिए कमांडोज ने बम लगाकर दीवार में छेद किया। ये पूरा ऑपरेशन 26 अक्टूबर की शाम के 5 बजे शुरू होकर करीब 2 घंटे चला। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर इसकी लाइव फीड देखी ट्रंप ने। उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस, एनएसए रॉबर्ट ओब्रेन, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क एस्पर, यूएस आर्मी के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन और डेप्यूटी डायरेक्टर फॉर स्पेशल ऑपरेशंस भी थे। व्हाइट हाउस ने इन लोगों की कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। बताया गया है कि ये ऑपरेशन का लाइव फीड देखने के समय की फोटो है। ट्रंप का कहना है कि बगदादी इदलिब में अपने संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश में जुटा था। ट्रंप ने रूस, तुर्की, इराक और सीरिया के कुर्दों को इस मिशन में साथ देने के लिए शुक्रिया कहा। हालांकि ये भी बताया गया कि रूस को ये नहीं बताया गया था कि ऑपरेशन किस चीज से जुड़ा है। कुर्दों की सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ का कहना है कि उन्होंने इस लोकेशन की जानकारी दी थी, शेयर की थी। बगदादी को पकड़ने के लिए काफी समय से कोशिशें हो रही थी मगर वो लगातार बचता रहा। कुछ समय बाद बगदादी के वीडियो आते पता चलता वो जिंदा है। अप्रैल 2019 में श्रीलंका के अंदर हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद भी उसका एक वीडियो आया था। उसने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली थी, दावा किया था कि आईएसआईएस से जुड़े लोगों ने दुनिया के 8 अलग अलग देशों में कुल 92 आतंकी हमले किए हैं। ओसामा की मौत के बाद ग्लोबल आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा था वो, वर्ल्ड्स मोस्ट वॉन्टेड टेररिस्ट चीफ। उसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम रखा था अमेरिका ने। दुनिया के कई देश उसकी तलाश में जुटे थे। कई बार उसके मारे जाने की खबरें आईं, जैसे जुलाई 2017 में सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि उनके पास बगदादी के मारे जाने की पक्की खबर है मगर अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की। फिर ऐसा आए दिन होता रहा, कभी खबर आती कि बगदादी मारा गया, फिर खबर आती कि वो जिंदा है। बगदादी खुद को लेकर बेहद सतर्कता बरतता था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इराक की एक जेल में बंद बगदादी के एक टॉप सहयोगी इस्माइल से बात की। उसने बताया कि बगदादी अपनी सुरक्षा को लेकर किस तरह की एहतियात बरतता था। उससे मिलने जाने वालों की घड़ी तक उतरवा ली जाती थी। आंखों पर पट्टी बांध कर बस में घंटों की यात्रा के बाद उन्हें बगदादी की सीक्रेट लोकेशन पर पहुँचाया जाता था। मुलाकात के बाद पहले बगदादी वहाँ से निकलता, फिर घंटों उस आदमी को जो मुलाकात करने आया होता था कड़ी सुरक्षा में रखा जाता था। हथियारबंद गार्ड्स उसको देखते रहते थे और कई घंटे बाद उससे उस शख्स को निकलने दिया जाता था। उसी तरह आंखों पर पट्टी बांधकर घंटों की यात्रा कराए जाने के बाद उसे उस ओरिजिनल पॉइंट पर छोड़ा जाता था जहां से उसे लेकर आया गया होता था। बगदादी नहीं जानता था कि उसे कौन धोखा दे सकता है, कब धोखा दे सकता है और इसीलिए वो किसी पर भरोसा नहीं करता था। 27 अक्टूबर को आईएसआईएस के अबुल हसन अल मुहाजिर नाम के एक प्रवक्ता के मारे जाने की भी खबर आई। खबरों के मुताबिक बगदादी के बाद उसे मिल सकती थी आईएसआईएस की बागडोर। एक और नाम आ रहा है वैसे जो बगदादी की जगह ले सकता है, इसका नाम है अब्दुल्ला करदाश। अमेरिकी सेना इसे आमिर मोहम्मद सईद अब्दुल रहमान अल मावला नाम से जानती है। माना जाता है कि गर्दाश करीब 15 सालों से बगदादी का सहयोगी रहा है। कैंप बक्का में वो भी कैद था बगदादी के साथ। जब 2004 में बगदादी पकड़ा गया था, यूएस आर्मी ने उसे पकड़ा था और यूएस आर्मी को नहीं पता था कि वो जिहादी है, तो उस वक्त ये भी उसके साथ उस कैंप में था। खबरों के मुताबिक करदाश बात का अफसर रहा है जो कि 2003 में अमेरिका के ने जो इराक पर हमला किया था उसके बाद जो ऑफिसर्स अंडरग्राउंड होकर इंसर्जेंट ग्रुप्स में शामिल हुए उनमें से एक था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक करदाश याजीदी समुदाय के बच्चों और औरतों के अपहरण, उनकी हत्या और तस्करी की जिम्मेदारी देखता था। कई लोग कह रहे हैं कि बगदादी के मारे जाने से आईएसआईएस खत्म हो जाएगा मगर क्या ओसामा के मारे जाने के बाद अलकायदा खत्म हुआ? बगदादी ने अब तक का सबसे बड़ा आतंकी संगठन, एक ग्लोबल नेटवर्क आतंकवाद का कायम किया। उसने अपने फॉलोअर्स को आतंक का एक भीषण
क्रूर मॉडल दिखाया, छोटे छोटे बच्चों तक का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकियों की ट्रेनिंग दी गई। आईएसआईएस के तौर तरीके इतने नृशंस थे कि अलकायदा तक उसे लानतें देता था। मतलब अलकायदा जो खुद इतना नृशंस है, खुद आतंकवादी है, आतंकवादी संगठन है, और कैसे कैसे वारदातों को अंजाम दिया है उसने, वो उसको नृशंस कहकर लानत देता था। वो सैकड़ों हजारों आतंकी जिन्हें आईएसआईएस ने अपने आतंकी नेटवर्क से जोड़ा, प्रशिक्षित किया, वो बचे हैं। ये लोग नए गुट बनाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है, नए संगठन खड़े करेंगे, नए नाम रखेंगे अपने संगठनों के, आतंकवाद को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ले जाएंगे। ऐसे में एक बगदादी को मारने से बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चैलेंज बहुत है इराक और सीरिया के हालात ने, वहां की अराजकता ने, आईएसआईएस को फैलने के लिए, मजबूत होने के लिए बेहद उपजाऊ जमीन मुहैया कराई। ऐसी और भी जमीनें हैं दुनिया में, गृह युद्ध हो रहे हैं, सांप्रदायिक नफरत है, गुमराह और बेरोजगार युवा हैं, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने भी बहुत मदद की आईएसआईएस को आगे बढ़ाने में। अभी भी सोशल मीडिया की कंपनियां ऐसा कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं खोज सकी हैं जिससे इस तरह के तत्वों को पूरी तरह बैन किया जा सके सोशल मीडिया पर। दुनिया को अभी इन गंभीर चुनौतियों से जूझना है। कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अगले साल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में ब्राउनी पॉइंट्स का कोई एंगल है क्या इसमें, या महाभियोग जांच जो ट्रंप के खिलाफ चल रही है उसका जवाब है ये, या उत्तरी सीरिया में अमेरिकी सेना को हटाने के अपने फैसले की आलोचना झेल रहे ट्रंप का कोई डैमेज कंट्रोल एफर्ट है ये। वैसे एक और सवाल भी पूछा जा रहा था कि बगदादी के शव का क्या हुआ। इसके जवाब में अमेरिका के NSA रॉबर्ट ओब्रायन ने बताया कि ओसामा की ही तरह बगदादी के अवशेषों को भी, यानी उसकी लाश के हिस्सों को भी, समंदर के किसी अननोन लोकेशन पर दफना दिया जाएगा। बगदादी अपनी 48 बरस लंबी जिंदगी में दुनिया का बेहद नुकसान कर गया है। उसकी क्रूरता, उसके नृशंस तौर तरीके उसके जैसी मानसिकता रखने वालों के लिए मिसाल का काम करेंगे। ये भीषण है कि कोई बगदादी में भी प्रेरणा खोज सकता है, लेकिन क्या कीजिएगा, हैं ऐसे लोग भी इस धरती पर। बगदादी और उसके आतंकियों ने मुसलमानों का भी बेहद नुकसान किया, हजारों लोग मारे गए उनके हाथों। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या मुसलमानों की ही है, लाखों लोग बेघर हुए, सैकड़ों औरतें, सैकड़ों बच्चों को सेक्स के लिए गुलाम बनाया गया, बार बार खरीदा बेचा गया उन्हें, इतना बुरा सलूक किया उनके साथ कि कोई हद ही नहीं है, और उन्हें भी सहा है। मगर याजिदी और कुर्द समुदाय ने खास तौर पर काफ़ी यातनाएं झेली हैं आईएसआईएस के हाथों। बगदादी और उसके लोग इन्हें मुसलमान ही नहीं मानते। कोई भी सज़ा बगदादी के लिए एप्ट नहीं हो सकती थी, क्योंकि शायद कोई भी सज़ा उसके नृशंसता का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये था बगदादी की मौत से जुड़ी जानकारियां आपको बताने वाला हमारा वीडियो। अब एक और जानकारी देनी है, 1, 2 और 3, ये जो 3 तारीखें हैं उनमें दिल्ली के IGNCA यानी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में लल्लन टॉप अड्डा सज रहा है। यहाँ आपके पास है कहानी लिखकर 1,00,000 रुपए का इनाम जीतने का मौका। और भी अवसर हैं, जैसे अगर आपके पास डांस करने का, गाना गाने का, जादू के करतब दिखाने या चुटकुला सुनाने, मतलब किसी भी तरह का कोई बढ़िया हुनर है, तो आप उसे दुनिया के सामने रख सकते हैं। हम आपको देंगे प्लेटफॉर्म, जो बेस्ट आएगा उसको 1,00,000 का इनाम मिलेगा। इसके अलावा लल्लन टॉप अड्डा पर आएंगे ढेर सारे सेलिब्रिटी जिनसे आप सीधे बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, तो मिस मत कीजिएगा, हमसे मिलने जरूर आइएगा। 1, 2 और 3 नवंबर को हम आपका इंतजार करेंगे। बाय। कहानी किसी ने कही, बहुतों ने सुनी। क्या आपके पास कोई कहानी है, कहानी जो आपको लगता है कि पूरे मुल्क को सुननी चाहिए? ये कहानी आपको लखपति बना सकती है। लल्लन टॉप अड्डे पर आइए, मौके पर कहानी लिखिए और लाखों के इनाम जीतिए। लल्लन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में।